हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 100 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, डिफरेंट हर अलग सेट्स में। तो उन सबको मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। मैंने उन क्वेश्चन को नहीं लिया है जो पहले पुराने एनसीईआरटी में हुआ करती थी। नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को रखा है। जो सिलेबस में नहीं है उनको मैंने नहीं लिया है। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होता है। देखो, जो अगर दो हम जानते हैं, अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, तो उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि क्या होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके मौसा और उनके लौसा के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो क्या होता है। परिमेय संख्या ले लो, जैसे कि यहां पर 2 ले लिया, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले लो, √3 ले लिया। किसी भी परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है। हमें क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस प्रश्न में ना कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ते, हमारे पास दो समीकरण है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। दो रैखिक समीकरण में हमें यह अनुपात दे रखा है कि तीनों चीजें आपस में बराबर है। a1 / a2 बराबर है b1 / b2 बराबर है c1 / c2 क्या होता है, संपाती रेखा होती है। किसकी कंडीशन है, संपाती रेखा की। और संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है, ठीक है, -2 है, तो ये -2 क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। x के जगह पे क्या रखोगे, -2, जहां जहां x है वहां -2 रखोगे। हल करो, 2 का वर्ग 4, 2 × 4 -p, तो माइनस का पी इधर के क्या होगा, प्लस का भी, तो p का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी। आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को आप दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने इतने से समदूरस्त बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। एक्स, अब इसको हल करना है। देखो, एक्स अक्ष पर स्थित समदूरस्त, ये बिंदु ए है हमारे पास है 2, -5, और ये बिंदु बी है जो कि -2, 9। एक्स अक्ष के लिए बिंदु माना वो पी, एक्स अक्ष के लिए बिंदु क्या होता है, वाई कोम, निर्देशांक आपका 0 होता है। अब प्रश्न में दे रखा है कि जो ए पी होगा वही आपका पी बी होगा, समदूरस्त है। ए से पी के बीच की दूरी, पी से बी के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। x1 - x2 / y1 - y2 फिर इधर आ जाओ, ये x1 हो जाएगा, x1 - x2 / y1 - y2। ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है। अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दोगे, वर्ग करोगे अंडर रूट हट जाएगा, खोल दोगे इसको, a² + b² - 2ab, 5² = 25 यहां से आ जाएगा। फिर खोलोगे इसको, a² + b² + 2ab, 9 × 81 + x² + x² कटा, 4 से 4 कटा, ठीक है। और अंकों की तरफ लेके आओगे, ठीक, और प्लस का 4x है उधर, ये -4x उधर आके +4x हो जाएगा, ये आ गया 8x, यहाँ आ जाएगा 56, 8 × 5 इधर के बट्टी में आ जाएगा, ठीक है, 8 × 7 = 56, तो x का मान जाएगा -7, तो जो बिंदु होगा वो होगा -7, 0, -7, 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC है, तो कौन सा कथन सही होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बोला है,
तो अगर ए बी बराबर ऐसे तो बी कोण किसके बराबर होगा, सी कोण के बराबर होगा। अगर दो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी बराबर जो होगा कोण सी के होगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते कि अगर साइन ए कॉस ए के बराबर है तो ए का मान क्या होगा। देखो ए साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो ए का मान कितना होगा 45। ठीक है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, तुरंत रख दिया। कह रहे हैं अगर ए का मान 30 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, 1 + tan² क्या होता है, sec² है। ठीक है, और 1 + cot² क्या होता है, cosec². थोड़ा सा स्मार्ट बनो, sec को लिख सकते हैं 1/cos² और cosec को लिख सकते हैं 1/sin². इसकी गुणा इसके साथ sin² = sin² और इसकी गुणा इसके साथ भाग में cos² = cos² sin/cos क्या होता है 10² है टोटल का, तो 10 का अच्छा ए डिग्री का मान कितना दे रखा है 30, 10 30। ठीक, 10 30 का मान होता है 1/√3, वर्ग कर दोगे 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 3, 1/3 आ जाएगा। ठीक, कह रहे एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई है, मतलब पहले ये गोला था, ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या r थी, अब दूसरा जो गोला है ना उसकी त्रिज्या पहले की तुलना में ना 2r कर दी गई, दुगनी कर दी गई है। ठीक है, इस त्रिज्या को ना दुगनी कर दी गई है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात की कितनी होगी। देख रहे हो क्वेश्चन कितना कहां तक ले जा रहे, कितनी वृद्धि होगी ये बताना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 4πr². ठीक, गोले का क्षेत्रफल, और इसका होता है 4π, r की जगह पर 2r है, तो यहां से 2 का वर्ग 4, 4π और r² तो 4×16πr². ठीक है, कितना गुना वृद्धि हो रहा है बताओ, देखिए पता लग जा रहा है ना, 4 गुना वृद्धि हो रहा है, 4×16 है ना, इसे भाग दोगे 4 गुना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो वृद्धि अगर मैं निकालना चाहूं, वृद्धि क्या होता है कि जितना हुआ है 16πr², पहले कितना था 4πr² घटा दो तो कितना आ जाएगा 12πr² आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि क्या होता है, जितनी वृद्धि हुई उसको किससे भाग देना, जिससे स्टार्टिंग में जितना था उससे भाग देना है और 100 से गुणा कर देना है, तो πr² से πr² कैंसिल, 4 × 3 = 12, तो 300% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 300% की वृद्धि हुई है। कई बच्चे सोचेंगे 4 गुना है तो 400% होगा, नहीं, वृद्धि परसेंट पूछा है आपसे। अगले प्रश्न में आ जाओ, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। ठीक है जी, आपसे क्या बोला है, माध्य पूछा है, तो देखो माध्य अगर निकालना है, ये वर्ग अंतराल है, इसको हल करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक, देखो बारंबार था, उसके बाद में x चाहिए और x चाहिए fx। ठीक, ये बारंबार था f है, x क्या होता है, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 का आधा 1, सब में 2 2 का अंतर है तो 2 तो जोड़ दो, ये 3 हो जाएगा, ये 5, ये 7 और ये 9। ठीक, फिर क्या होता है, f और x की गुणा करनी होती, 3 × 3, ये भी आ गया 3 × 3, 5 × 25, 7 × 28 और 7 × 63। माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, ठीक है, ये हम प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, सिग्मा एफएक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक, अब इन सबको जोड़ना है, देखो ये कितना हो जाएगा, 25 और 3 28। ठीक है, 28 और 28 कितना हो जाएगा, 56, 56 63 और 3 66। ठीक है, जोड़ेंगे 6 6 12 हासिल लगा 1 5 6 11 और 1 12 122, तो सिग्मा एफ एक्स 122। सिग्मा एफ क्या होता है, देखो 3 और 1 4 4 और 5 9, ठीक है, 4 और 5 9 और ये 11 11 और 9 कितना होता है 20। ठीक है, इसको 20 से भाग दे देंगे, 8 2 1 0, 2 6 12
दो एक कम दो तो ये आ जाएगा 6.1। कितना आ जाएगा? 6.1। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी बारंबार था बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक इतना है, तो उसका माध्य क्या होगा? आपको एक सूत्र पता होगा कि जो बहुलक होता है वो होता है माध्यक का 3 गुना, और उसमें से क्या घटाना होता है? 2 माध्य घटा देना होता है। ठीक, तो बहुलक हमें प्रश्न में कितना दे रखा है? 28 दे रखा है, और माध्यक हमें दे रखा है माध्यक हमें मान लेते हैं x, जो कि हमें निकालना है, और माध्य हमें दे रखा है 24.1। ठीक है, 24.1। सो देखो, ये गुणा करोगे माइनस की तरह के क्या हो जाएगा? प्लस, 2 एक कम 2, 24 दूनी 48। ठीक है, और यहाँ आ गया 3x, जोड़ दो 10 8 8 6, असल लगा 1 4 2 6 और 1 7, ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाए। 3 से काटो, 3 दूनी 6 1 बचे 3 बचे 15, 3 चौके 12, एक्स का मान है 25.4। ठीक, तो हमारा जो माध्यक होगा वो कितना होगा? 25.4 होगा। आगे बढ़ो, कह रहे हैं बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग पूछा है आपसे, तो बहुलक वर्ग में क्या होता है? जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, 20, इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा क्या है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। कितना? 20 से 30। आगे बढ़ते, कह रहे माध्य माध्य और बहुलक के बीच सही संबंध क्या है? तो बहुलक होता है 3 माध्यक - 2 माध्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है? देखो, एक्स प्लस वाई आपका 10 है, और यहाँ एक्स माइनस वाई आपका 4 है, जोड़ोगे 2x = 14, 2 × 7 = 14, एक्स का मान आपका 7 आ जाएगा। अब एक्स प्लस वाई आपका 10 है, एक्स का मान 7 रख दोगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 7 और 3। ठीक है, 7 और 3, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बिंदु 5.9 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? वाई अक्ष बोला है तो एक्स वाला सही उत्तर होगा, कितना होगा? 5। और अगर एक्स अक्ष से बोलता तो वाई वाला हम देखते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कि यदि संख्याओं का माध्य इतना है तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, माध्य कितना है वो मिसिंग है यहां से। ठीक है, माध्य क्या होता है? इन संख्याओं को जोड़ दो, मैं आपको तरीका बता देता हूं क्या होता है। जितनी संख्या दे रखी होती है उनको जोड़ दो, ठीक है, जितनी संख्या होती है उनको जोड़ो और उससे भाग दे दो। कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक, तो देखो माध्य कितना है वो दिया नहीं है। ठीक है, अभी देखो 15 और ये कितना हो गया? 25, ऊपर आ गया 40। ठीक है, 40 + x, ये है, मान लो कि माध्य 10 दे रखा है तो त्रिकोणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस का 40 दे रखे माइनस का 40 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाता? 10। ठीक, मान लो कि इस प्रश्न में माध्य कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछे गए हैं, जितने भी सेट रहते हैं ना उन सभी सेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं, वो लिख छाट छाट के निकाल के लाया हूं और वो आपको दे रहा हूं। एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया है, बोर्ड एग्जाम वालों ने पूछा था, वही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसकी तैयारी अच्छे से कर लो, नहीं तो बाद में रोते फिरोगे। ठीक है, कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो सी का मान क्या होगा? देखो, अगर मूल समान होता है तो विभक्तिकर का मान क्या होता है? 0, यानी कि b² - 4ac का मान क्या होता है? 0। a की जगह a है, b की जगह b है, c है, तो ये माइनस का उधर जगह क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, c का मान निकालना, 4 1 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाए, तो c का मान होगा b² / 4 है। ठीक है, b² / 4 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे चित्र में सबको दे रखा है DE समांतर BC के हैं, ये जो DE समांतर BC के हैं, तो क्या होगा अगर ये रेखा इसके समांतर है? तो थिन्स प्रमेय लगती है, थिन्स प्रमेय क्या होती है? AD / DB किसके बराबर होता है?
ए बट्टे में एसी के बराबर होता है, ठीक है जी, यही होता है। एडी हमारे पास है एक्स प्लस तीन और डी बी हमारे पास है 3x+19। फिर हमारे पास ए एक्स है और ये हमें दे रखा है 3x+4, ठीक है जी। तिरछी गुणा कर दो तो तीन एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर और यहां से आ जाएगा 3x, ठीक है। 3x से गुणा हो गया, अब 4 से गुणा होगा 4x, ठीक है, 4 × 3 = 12। अब x से गुणा करो 3x² और ये आ जाएगा 19x। इधर 3x² इधर 3x² कटा 3x² और 3 × 3 = 9x आएगा यार, देखा, ठीक है। और 4x, हाँ ठीक है, 9 और 4 कितना होगा 13x, उधर ले जाओ यहाँ पे 12 है, 19x में से 13x घटा दो तो यहां से आ जाएगा 19 में से 13 घटाएंगे 6x, ठीक है, 6 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर। कह रहे 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य पूछा है, तो माध्य में क्या होता है 1 से लेके 10 तक सम संख्या बोले है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 10 तक बोले है, कितनी संख्या, 5 से भाग दे दो, 10, 20, 30, 30 × 5, 5×30, तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है जी। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, क्या बोल रहा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये 156 है, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 × 1 = 13, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 1 बार है, 13 1 बार है, तो ये ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः इतना है, ये माध्य और ये बहुलक है, इसका माध्य क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बहुलक होता है वो होता है 3 माध्यक - 2 माध्य, ठीक है ना, तो देख रहे हो ये आ रहा ही आ रहा, हर सेट में ही था ये क्वेश्चन, हर साल आता है, तो हमें क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है ना, हमें माध्यक निकालना है, बहुलक कितना दे रखा है 12, माध्यक निकालना है, माध्यक को हम x बोल देते हैं और माध्य में दे रखा 24, ठीक है, 24 × 48 प्लस का 48 हो जाएगा, इस तरह आगे जोड़ दोगे ये आ जाएगा 60, 3 गुणे में के बट्टी में आ जाएगा, काटोगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है, तो जो माध्यक का मान होगा वो कितना होगा, 20 होगा, ठीक, ये भी हो गया। कह रहे cos a का मान 7/25 है, cos का मान तो 10 है, प्लस cot का मान कितना होगा, तो देखो दोस्त साइन क्या होता है, साइन निकाल लेते ना, साइन ये होता है √1 − cos² है, cos दे रखा है ना, इसीलिए इसका उपयोग कर रहे हैं, cos का मान 7/25 रखो यहाँ पर, 7/25 है, अच्छा फिर देखो 7 का वर्ग 49 और 25 का वर्ग 625, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 625, 625 कम 625 माइनस 49 तो ये आ जाएगा 576, ठीक है, बट्टे में 625, 576 का वर्गमूल 24 / 25, तो साइन हमें ये मिल गया। अब देखो हमें 10 निकालना है, 10 क्या होता है, sin/cos, ठीक, साइन हमने निकाला है 24/25, ठीक, और कॉस हमें दे रखा है 7/25, इसके बट्टे में 25, इसके बट्टे में 25 कटा, ये आ जाएगा 24/7, क्या 10 का मान, तो 10 का मान आ गया 24/7 और कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, ये आ जाएगा 7/24, गुणा करोगे ठीक है, 7 × 24 आ जाएगा, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576 और 7 × 7 = 49, ठीक, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 625, 625 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर दो ऑप्शन में, और गुणा करो 7 × 28, ठीक है, हासिल लगा 2, 7 × 14 और 2 = 16,
तो ये आ जाएगा 625/168। ठीक है जी, आराम से हो गया। इसके मूल क्या है? गुणनखंड विधि हल कर लो। गुणा करने पे 10 आए और घटाने पे 3। ठीक है, 5 × 2 = 10, 5x में से 2x घटा देने हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से जोड़ा यहां से जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, इस जोड़े से 2 उभयनिष्ठ, 5 × 10 ये 5 है। ठीक है, जो दो बार उसे हम एक बार लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ निकाला उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको 0 मानोगे तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसको 0 मानोगे तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो शून्य क्या होंगे? 5 और -2। ठीक है जी, शून्य क्या होंगे? 5 और -2। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि अभी तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको तो पता भी होगा, इसीलिए थोड़ा फास्ट कर पा रहा हूं। कह रहे यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार है ये और उसकी छाया ये है, कि लंबाई उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है। अगर उसकी ऊंचाई h है ना, तो ये जो है ना छाया अंडर रूट 3 गुनी है। तो हमसे बोला सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, माना उन्नयन कोण थीटा होगा। ठीक, तो आप जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये हमारा क्या है, आधार। क्योंकि 90 इंच के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये दो भुजा के माप में बताए लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 थीटा। लंब हमारे पास है h और आधार हमारे पास है अंडर रूट 3h। h एक कम h, 1/√3। देखो इधर 10 है, इसका मान में 10 में सोचो, 10 30 का मान होता है अंडर रूट 3, 1/10। 10 से 10 हट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, y अक्ष के लिए पूछा तो x वाला आंसर होगा -3। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का युगफल कितना है? ठीक है, काटे 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 12, 2 × 1 = 16, 2 × 18 = 3, 3 × 9 = 3, 1 = 3। 2 कितनी बार है 4 बार, 3 कितनी है 2 बार। घातों का युगफल बोला है, 4 + 2 = 6 आता है, तो घातों का युगफल कितना होगा, 6 होगा। आराम से बन गया। कह रहे हैं दिया गया है 2 संख्याओं का लौसा इतना है, तो इनका मौसा क्या होगा? आप जानते हैं संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है। ठीक, इसको भाग देना है 30, इससे भाग देना है। ठीक है, अब इसको हल करो, हल करने पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा वो देखो, 132 है, भाग देना है 3168 में, 3 अंक 3 अंक लेंगे, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 2 × 4 = 2, 3 × 6 = 2, 1 = 2। ठीक है, 3 बार में ज्यादा हो जाता, 6 में से 2 घटाएंगे 4 घटाएंगे 2 बचेगा 11, 6 घटाएंगे 5 बचेगा, ये यहां से यहां आ गया 8। ठीक है, 5 4 बार जाएगा, 4 × 8। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 4 × 8 = 12, हासिल लगा 1, 4 × 1 = 4, पूरा पूरा कट गया। कितनी बार गया, 24 बार गया, इससे काटा तो 24। अब 24 का भागा तो नहीं आता होगा, 4 × 6 = 24, 7 × 28 = 4 × 8, 6 × 6 = 6 × 12, तो मौसा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, मौसा कितना आएगा, 12।
कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। मूल बराबर होने ठीक होने पर t का मान जीरो यानी व्यक्तिगत मान जीरो होता है, यानी कि b स्क्वायर बराबर होता है 4ac के। यहाँ a के स्थान पर कितना है 3 x स्क्वायर गुणज, b के स्थान पर माइनस के 12 और c के स्थान पर b कितना है माइनस के 12 और a की जगह पे 3 और c की जगह पे। तो देखो इसको 12 गुणा 12 लिख सकता हूँ मैं, माइनस का और प्लस हो जाता है 4 × 12 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 12 से 12 कटा एम का मान कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बट्टा ए। बी का मान क्या है माइनस के 3, ए का मान कितना है 5, तो यह आ जाएगा 3/5 माइनस माइनस प्लस 3/5। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। कह रहे हैं ये युगपत समीकरण ये पहला वाला या दूसरा वाला कब कोई हल नहीं है, कोई हल कब नहीं होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो स्टार्टिंग के दो हैं इनको ले लो, a1 का मान क्या है x का गुणज कुछ नहीं तो 1, a2 कितना है x का गुणज 2, b1 कितना है y का गुणज 2 और b2 कितना है लैम्डा। ठीक है त्रिज्या करो, लैम्डा 1 कम लैम्डा 2 दुनी 4, तो लैम्डा का मान कितना होगा 4। ठीक आराम से हो गया। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु यह है, देखो ये रेखाखंड ए है इसके बीचों बीच मध्य बिंदु है a/8 और जो बी बिंदु है वो है 5.6। तो आपसे बोला है a का मान निकालो, a क्या है x, x निर्देशांक क्या होता है x1+x2/2 होता है, x का मान क्या है a/8, x1 का मान है -4, x2 का मान है 5/2 है। तो देखो 5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, त्रिज्या गुणा करेंगे 2a 8 2 × 8, तो a का मान आ जाएगा 4, a का मान कितना आएगा 4। ठीक आगे बढ़ते हैं। क्या त्रिभुज दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, अगर PQ बट्टे BC एक अनुपात 3 है तो AP तथा PB का अनुपात कितना होगा। ठीक है इसका और इसका अनुपात कितना होगा ये हमसे पूछा है। देखो ये इसके समांतर है ना, तो ये छोटा वाला त्रिभुज त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ABC के, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है तो ऐसा होने पे क्या होता है कि इसका AP ठीक है बड़े वाले का ये छोटे वाले का AP बड़े वाले का क्या आएगा AB आएगा बराबर इसका PQ बट्टे इसके BC के बराबर होता है। ठीक है तो देखो AP बट्टे में क्या निकालना है PB निकालना है, तो AB को लिख सकता हूं मैं AP plus PB। ठीक और PQ बट्टे BC दे रखा है 1/3, त्रिज्या गुणा करो 3AP, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा AP plus PB, प्लस का AP इधर आके माइनस का हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 2AP, गुणे में कुछ नहीं तुम्हें 1 लिख सकता हूं। ठीक AP ये जो PB गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, ये जो 2 गुणे हैं उधर आके जाके क्या हो जाएगा बट्टे में, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो आंसर आएगा 1/2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे, चित्र में बिंदु O बिंदु A तथा P के देखने पर अवनमन कोणों के माप क्या होगी, अवनमन कोणों के माप बताने। ठीक है तो यहां पे 60 है, ठीक है तो यहां पे कितना होगा 60 डिग्री होगा और ये यहां से लेकर यहां तक कितना है 45 है A तथा P, तो पहले अगर A बिंदु आएगा फिर B बिंदु P बिंदु है ना, तो A से कितना हो 45
और पी से कितना है 60, तो 45 और 60 होंगे। ठीक, चित्र देखिए, बस आपको आंसर बताना था। आगे बढ़ते हैं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने बता दिया था। अब देखो हम फिर से एक सारणी दे रखी है, हमें इसका माध्य बताना है। ठीक, माध्य बताने के लिए मैंने अभी आपको बताया था दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक, सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा जैसे अभी हमने किया था, तो ये क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो। ठीक, थोड़ी देर पहले किया था, यहां से आपको x बनाना है और यहां पर एफ एक्स, एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो आधा करो, 5 10 का अंतर है 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 45। ठीक, गुणा करो, 4 बजे 20, 15 बजे 75, 25 छंग 150, 35 चौके 140। ठीक, और 45 एक कम 45। ठीक, ये हो गया माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यही होता है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है, देखो ये 20, ठीक है, यहां से देखो 20 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 यहां पर है 150, यहां 140 और यहां है 45, जोड़ो 5 और 5 10 हासिल लगा 1, 4 देखो एक एक डाल देंगे यहां पर 10 15, आप यहां डालो एक 10 19 और 4 23, हासिल लगा 2, 430 आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 430। सिग्मा एफ कितना है, 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 4 20 आ जाएगा। 0 से 0 कटा, इसको भाग दे दो, 2 2 4 2 1 2 2 5 10 21.5, ठीक है जी, आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब आपको खुद कमेंट में करना, क्योंकि मैंने दो आपको करा दिए हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे एक एक नहीं दो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, अगर एक क्वेश्चन आप खुद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसको खुद सॉल्व करना है, कमेंट पर आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक होती है, 8 है तो 8 के ऊपर वाला, तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 3 से 5। माध्यिक का वर्ग क्या होता है, तो ट्रिक बता रहा हूं, माध्यिक का वर्ग निकालने का भी ट्रिक है, जहां जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है कितनी है, यह है। ठीक, माध्यिक का वैसे तो 20 होता है, ठीक है, तो ये होगा 30 से 40। ठीक है, 30 से 40 होगा। अब आ जाओ, कह रहे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि अगर ये a है ये b है, तो हमें a और b के बीच की दूरी क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग 10 है। अंडर रूट दोनों तरफ हटाने के लिए वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, 2 में से 10 घटाएंगे माइनस के 8, और जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 3 प्लस वाई, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, 88 64, 3 3 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस का 100 इधर आगे माइनस का 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के यहां से आ जाएगा 73, घटा दोगे 100 में से 27 बचेगा, तो इसका गुणज कुछ नहीं, तो वन, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 27 और घटाने पे 6, 9 3 27, 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, 9y माइनस के 3y, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से y उभयनिष्ठ और इस जोड़े से 3 उभयनिष्ठ, 3 9 27, जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ है उसका दूसरे बार, तो यहां से इसको 0 मानने पर क्या मिलेगा, प्लस का 9 उधर के माइनस का 9 होगा, और इसको 0 मानेंगे तो प्लस का 3 मिलेगा, तो माइनस 9 और 3, माइनस 9 और 3,
कह रहे 26 और 156 का लौसा 156 है, तो मौसा क्या होगा? तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? लौसा गुणे मौसा, 156 से 156 कटा तो लौसा कितना आ जाएगा, मौसा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 कहाँ यार, प्लस के 26 होगा। कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF में निकालना है, क्या निकालना है? HCF यानी कि मौसा निकालना है। शेषफल कितना बचे? 5, तो इसमें से भी 5 घटाना है और इसमें से भी 5 घटाना है, तो ये 240 और यहां से 5 घटाएंगे तो 1032 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो मौसा क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जिससे दोनों में भागा चला जाए, ठीक है? तो देखो 24 हो जाएगा, 24 का भागा इसमें भी चला जाएगा, 24 का भागा इसमें भी चला जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना जाएगा? 24 आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है मैं करके दिखा सकता हूँ, गुणनखंड करते हैं। देखो 2 एकम 2 दिनी 0, 2 छंग 12 0, 2 3 0 15, 3 5 15, 5 1 5, इसका काटो 1032 का, 2 5 10, 2 एकम 2 2 छंग 12, 2 3 4 0, 2 8 16, 2 1 0, 2 4 2 5 2 2, ठीक है? 2 2 4 2 6 12, 2 1 2 3 13 1 13, ठीक? तो देखो 240, 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार, और 1032 इसमें आ जाओ, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 की पावर 6, 13 है 1 बार। ठीक है, अब जो संख्या दोनों में होती है उसको लेना होता है, तो 2 की पावर 4 दोनों में आ जाएगा ना, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 4 × 4 = 16 आ रहा है। 240, 5 घटाएंगे तो 1032, ठीक है? गुणनखंड क्या? 120 60 30, 3 5 15 5 1 5, 2 कितनी बार है? 4 बार, ठीक है? यहाँ आ जाओ, 2 5 10, 2 1 2 2 6 12, ठीक है? फिर 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 2 2 8, ठीक है? 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है? 2 5 6 बार है, 2 6 बार है, ठीक है? 13 भी है, 16 आएगा आंसर, ठीक है? ऑप्शन गड़बड़ है, 16 अंतर आएगा। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल 2 है तो एक का मान क्या होगा? कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गलत भी आ जाते हैं, अगर उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे भाई, आप भले ही आपका उत्तर गलत हो या सही हो, आपको नंबर जरूर पूरे मिलेंगे, ठीक है? यदि समीकरण का एक मूल 2 है तो एक का मान क्या होगा? जो मूल होता है ना भाई, उस समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो x की जगह पे 2 रख दो, जहां जहां x दिख रहा है। तो ये 4 × 8 +6 प्लस का 2 इधर के माइनस का हो गया, 8 × 6 = 14, माइनस का 2 गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया, 2 × 7 = 14, तो एक का मान आ गया -7, ठीक? ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कह रहे दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या मान ली x और y, उनको अगर जोड़ते हैं तो 8 आता है और उनको घटाते हैं तो 2 आता है, ठीक है? तो 2x बराबर हो जाएगा 10, 2 × 10, x प्लस y का मान 8 था, x का मान 5 है, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3, तो आंसर होगा 5.3। कह रहे इनके मूल क्या होंगे? ये जो हमें समीकरण दे रखा है इसका मूल क्या होगा? मूल
किस तरीके को पता लगाने के लिए हमें विविक्तीकरण निकालना पड़ता है। डी सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। बी कितना है यहां पर माइनस के बारह, ए कितना है यहां पर चार और सी कितना है नौ। 12 का वर्ग 144, ठीक है, 16 नंबर 144, तो ये जीरो आ गया। अगर डी का मान जीरो होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और बराबर। अगर डी का मान धनात्मक आता है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। अगर डी का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बी मान लो, तो ए बी क्या होगा एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग, वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग, दो में से चार घटाएंगे माइनस दो का वर्ग और यहां से दो का वर्ग, माइनस दो का वर्ग चार और ये चार अंडर रूट आठ, तो ये हो जाएगा दो अंडर रूट दो। कितना हो जाएगा दो अंडर रूट दो हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा दो अंडर रूट दो। ये देखो इसमें पूछा कि विविक्तीकरण कितना होगा, तो विविक्तीकरण डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, बी है माइनस के दो गुणज, ठीक। फोर ए का मान है तीन, सी का मान है एक बट्टे तीन, ये ए हुआ और ये हमारे सी हुआ, तो ये यहां से आ गया चार, तीन से तीन घटा चार, तो कितना आ गया जीरो, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, ए डी का मान बताना है, ठीक है, हमें ये बोल रखा है समांतर रेखा खींचा गया है इसके समांतर, ये इसके समांतर है, तो आप जानते हो AD बट्टा DB टेल्स प्रमेय से AD बट्टा DB किसके बराबर होगा AE बट्टे EC के बराबर होगा। AD का मान हमें दे रखा है, AD का मान हमें निकालना है और DB का मान दे रखा है 7.2, AE हमें दे रखा है 1.8 और EC हमें दे रखा है 5.4। दशमलव एक स्थान के बाद एक स्थान बांटा हट गया, 18 कम 18 18 दिया 54, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा 3 AD, तेजी गुणा करोगे 7.2 एकम 7.2, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दुनी 6, ठीक है, 3 चौके 12, तो आंसर आ जाएगा 2.4, ठीक 2.4 आ जाएगा। OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड है, त्रिज्या हमारी 4 है और थीटा हमारा 30 है, तो सूत्र क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कुछ बोला नहीं है, थीटा है 30 बट्टे में 360, पाई का मान 22 बट्टे 7, त्रिज्या है 4 गुणा 4, आर स्क्वायर है ना 4 गुणा 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 4 3 12, ऊपर आ जाएगा 22 चौके 88 बट्टे में 7 3 21, ठीक है, भाग देना है 21 से भाग देना है 88 में, 4 बार जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक, घटाएंगे 4 बचेगा 0.0, 21 एकम 21 घटाएंगे 19 बचेगा, ठीक है 4.1, 1 यहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहे इसका मान क्या होगा, 2 tan 45 का मान 1 होता है 1 का वर्ग, cos 30 का मान अंडर रूट 3 बट्टे 2 होता है, वर्ग है तो वर्ग कर दो, sin 60 का मान अंडर रूट 3 बट्टे 2 होता है, वर्ग है तो वर्ग कर दो, ये नेगेटिव का पॉजिटिव का घटा 1 का वर्ग 1 2 1 कम 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे त्रिभुज एबीसी में सी कोण, देखो त्रिभुज एबीसी है जहां सी कोण हमारा 90 है, तो यहाँ ए होगा और यहाँ बी होगा, हमें टेन ए का मान दे रखा है, ठीक है, टेन ए, ए के लिए 1 बट्टे √3, टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा 1 है और आधार हमारा √3 है इसके हिसाब से, तो इसका मान क्या होगा ये बताना है, तो फिलहाल तो हमें यह भुजा नहीं पता है, कर्ण निकालना हमें, कर्ण क्या होता है √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक, लंब हमारे पास है 1 का वर्ग, आधार हमारे पास √3,
तो एक का वर्ग एक, तीन का वर्ग अंडर तीन का वर्ग तीन दिया जाएगा चार, चार का वर्गमूल दो, तो ये हमें दो मिल गया। ठीक, हमें साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। साइन ए, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारे पास है एक, कर्ण हमारे पास है दो, फिर हमें कॉस ए भी चाहिए। कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा अंडर रूट तीन है ए के लिए और कर्ण दो वही है। ओके, अब बी के लिए आ जाओ। बी के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और ये हमारा आधार हो जाएगा। कॉस बी, कॉस बी आधार बट्टे कर्ण, आधार, आधार है एक, कर्ण है दो, फिर हमें चाहिए साइन बी, लंब बट्टे कर्ण, लंब है अंडर रूट तीन, कर्ण है दो। अब मान रखो, कहां मान रखना है, यहां पर। साइन ए, साइन ए का मान एक बट्टे दो, कॉस बी, कॉस बी का मान एक बट्टे दो, फिर कॉस ए, कॉस ए का मान अंडर रूट तीन बट्टे दो, और फिर साइन बी, साइन बी का मान अंडर रूट तीन बट्टे दो। एक कम एक, दो दुनी चार, अंडर रूट तीन गुणा अंडर रूट तीन सिर्फ तीन, दो दुनी चार। जब नीचे समान होता है लॉस पर वही आ जाता है, फिर वैसे का वैसे ऊपर जुड़ जाता है, चार बट्टा चार, चार एकम चार, तो आंसर आ जाएगा एक। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। ठीक है, माध्य मैंने कई अभी कितने क्वेश्चन करा दिए आपको, ये आपका एफ दे रखा है, आपको एक्स निकालना है और अगला कॉलम आपको निकालना है एफ एक्स का। ठीक, अब देखो एक्स निकालें, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, पांच, सब में दस दस का अंतर है, दस दस जोड़ दो पंद्रह, पच्चीस, पैंतीस, पैंतालीस। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही किया था। ठीक है, तो इसे आपको खुद बनाना है। माध्य का जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, हल करो और कमेंट में अपना आंसर बताओ। ठीक है, कितना आ रहा है, इसे दो तीन मैंने अभी करा दिए, इसको आप खुद करो और कमेंट में अपना आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक आयताकार कागज, देखो आयताकार कागज मैं आपको दिखाता हूं, ये है हमारे पास। ठीक है, ये आयताकार कागज है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास आयताकार कागज था ना, ये 40 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है, तो इसको मोड़कर ऐसे, क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। ये हमारे हाथ में एक बेलन आ गया। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई 40 है और इसका जो चौड़ाई था उससे क्या बन गया, पूरा वृत्त बन गया। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, देखो बेलन की त्रिज्या किसके बराबर है, उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर के बराबर, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, तो देखो परिधि क्या हमारे पास, अगर त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, 2 पाई आर हमारे पास 22 है, पाई का मान जो होता है वो होता है 22 बट्टे 7, 22 एकम 22 घटा आर, 7 एकम 7, 2 गुणे में जाके बट्टी में आ जाए, तो आर का मान आ जाएगा 7 बट्टे 2, यानी कि 3.5, 2 से भाग दोगे 3.5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। निम्नलिखित सारणी में माध्यक वर्ग क्या होगा, सबसे ट्रिक बताया था, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके सामने वाला माध्यक वर्ग, और वही आपका बहुलक वर्ग ही होता है, तो 20 से 30 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ दें, ये दोबारा आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखा है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसको हम स्किप कर देंगे। कह रहे ये जो बिंदु है, ठीक है, ये वाई है, एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई के बीच की दूरी क्या होगी, आपको पता है एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, वाई वन माइनस वाई टू माइनस माइनस प्लस, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x,
वाई और वाई क्या हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर करो, दो का वर्ग चार, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी वही आ जाएगा, चार उपनिष्ठ है, निकालो उपनिष्ठ, चार का वर्गमूल होता है दो, इसका प्लस में ये नहीं बन सकता, तो आंसर आ जाएगा दो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, सूत्र पता है ना आपको क्या होता है, एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग, वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग, ये एक्स वन है, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, ये सूत्र में रखा और हल किया, आंसर हमें मिल गया। कह रहे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी, थोड़ा मिस्टेक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है, किसी और से विभाजित नहीं होती है, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, जैसे दो, जैसे तीन, दो सिर्फ दो से कटेगा और एक से कटेगा, तीन तीन से कटेगा और एक से कटेगा, अगर यहाँ मैं छह लिख दूं तो ये भाज्य संख्या, ये दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, छह से भी कटेगा, एक से भी कटेगा। अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या के दो से ज्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इतना है, कॉस ए माइनस बी इतना है, तो ए और बी के मान क्या होंगे, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो यहां से देखो, साइन ए प्लस बी अंडररूट तीन बट्टे दो है, तो यहां साइन है बराबर है, तो इसका मान भी साइन में सोचो, साइन साठ का मान होता है अंडररूट तीन बट्टे दो, साइन साइन हटो, तो ए प्लस बी हमारा आ गया साठ। ठीक, यहां आ जाइए, यहां कॉस है तो इसका मान भी कॉस में सोचो, कॉस तीस का मान होता है अंडर तीन बट्टे दो, कॉस से कॉस हटो, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, तीस डिग्री, तीस। समीकरण एक दो हल करो, देखो ए प्लस बी साठ है और ए माइनस बी तीस है, ठीक, जोड़ेंगे कटा, टू ए आ जाएगा नब्बे, तो उसे भाग दोगे तो चुका दो पंजे दस, तो ए का मान आ जाएगा पैतालीस। हमारे पास ए प्लस बी कितना है, साठ है, तो ए का मान पैतालीस है, प्लस का पैतालीस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो बी का मान कितना आ जाएगा, पंद्रह, पंद्रह डिग्री, ए पैतालीस होगा और बी पंद्रह डिग्री होगा। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। इसका मान क्या होगा, देखो वन टेन तीस का मान होता है एक बटन रूट तीन स्क्वायर, नीचे सेम चीज प्लस प्लस में आ गया है, एक का वर्ग एक, अंडर रूट तीन का वर्ग सिर्फ तीन, नीचे वही है बस प्लस में आ जाएगा, तीन लॉसअप आ जाएगा, तीन एक कम तीन माइनस एक, तीन एक कम तीन प्लस का एक, तीन से तीन कटा ऊपर आ गया, तीन में से कटाएंगे दो और ये चार, तो एक कम दो, दो दूनी चार, ठीक, तो आंसर आ जाएगा एक बट्टे दो। कह रहे यदि समीकरण का मूल छह है तो के का मान क्या होगा, के कहा है इधर, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, इसको स्किप करो, के दिख ही नहीं रहा है। कह दो संख्याओं का योगफल 24, दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या एक्स है दूसरी संख्या वाई है, उनको अगर जोड़ेंगे तो 24 आता है, ठीक है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो x का मान उठाकर यहां रख दो 2y और यहां है y, तो ये हो जाएगा 3y, 3 8 24, तो y का मान आ जाएगा 8, y का मान यहां रख दोगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो एक संख्या 16 होगी दूसरी संख्या 8 होगी, 16 और 8, ठीक, ये भी हमारा आराम से बन गया। कह रहे एक बट्टे दो सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीयफल क्या होगा, देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीयफल होता है 3πr², ठीक, और एक बट्टा दो सेंटीमीटर में व्यास दे रखा है, डी दे रखा है एक बट्टे दो, तो आर क्या होगा, इसका आधा कर देंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं तो एक, एक की गुणा एक के साथ और भागा इसके गुणा इसके साथ, एक बट्टे चार सेंटीमीटर हो जाएगा आर, ये यहां पे रखो, पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है, पाई का मान नहीं रखना है, थ्री पाई
एक का वर्ग एक, चार का वर्ग 16, 3/16 पाई, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल। बस इस सूत्र को याद रखो, कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और हमारे पास 6 है, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र क्या होता है? 3/360 πr² थीटा है 60 डिग्री, बट्टे में 360, पाई का मान 22/7। अच्छा पाई का मान नहीं रखा है, पाई का मान मत रखो, पाई यही है, और आर का मान है 6 डिग्री, सॉरी 6 स्क्वायर। काटोगे इसको 6×36, 1/1, यहाँ पाई है 36, 6×36 तो आंसर आ जाएगा 6 पाई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य इतना है, तो उनके योगफल कितना होगा? ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर 12 व्यक्तियों को समांतर माध्य में दे रखा है, अगर योगफल पूछा है तो बस उनको गुणा कर दो। ठीक है, 45.6 को 12 से गुणा कर दो, 2×12 हासिल लगा 1, 2×10 = 11 हासिल लगा 1, 2×8 = 9, 2 जोड़ेंगे 7, 9 और 5 14.1 स्थान के बाद 547.2, 547.2 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इन संख्याओं का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा? इन सबको जोड़ो, समांतर माध्य 3+4 संख्या 4 से भाग दे देंगे, समांतर माध्य 5 दे रखे, 10 और 3 13, 4×5 = 20, त्रिज्या कर दिया, प्लस के 13 इधर के माइनस के हो गया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 7। आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द्विघात समीकरण का विभक्तिकर क्या होगा? पहले इसको हल कर दें, इसके बट्टे में गुणा दो, 1 x² 1 x² 1 बट्टे के तरह के गुणे में लग जाएगा, x प्लस का x तरह के माइनस का होगा, ये हमारे पास है। देखो a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर -1 x का गुणज, और अचर पद क्या है? -k1। मैं व्यक्ति का d निकालना है, जिसका सूत्र होता है b² - k4ac, b है -k1 और a हमारे पास 1, c हमारे पास -1, माइनस का 1 का वर्ग 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक, इसका विभक्तिकर कितना होगा? 5 होगा, ये भी बन गया। आगे बढ़ो, कह रहे किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आयताकार खेत है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही, मान लेंगे चौड़ाई, ठीक है, x मान लेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगी? उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब इस लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, त्रिज्या गुणा कर देंगे, सो ये हो जाएगा x² + x। ठीक, प्लस का 30 तरह के माइनस का 30 हो जाएगा, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 30 आए और घटाने पर 1, ऐसी कौन सी संख्या भाई जिनको गुणा करेंगे तो 30 आएगा? अच्छा, द्विघात समीकरण ज्ञात करना था, x² + x - 30, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द्विघात समीकरण क्या होगा, हल नहीं करना है, ठीक है, ये आपका उत्तर मिल जाएगा। ये दोबारा फिर आ रहा है, देख रहे हो हर सेट में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क मिल जाएगा, दोबारा से करना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? बारंबारता, संचयी बारंबारता, बहुलक होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बाकी वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता, बारंबारता
ये सब नहीं है। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहभाज्य संख्या का युग्म का मतलब क्या होता है? अगर दो संख्या है, अगर उनका आप एचसीएम निकालते हो और अगर एक आ जाता है तो इनको सहभाज्य का युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो देखो 31 एकम 31 31 तीन, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका जो एचसीएम 31 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 7 3 21, ये भी नहीं होगा। इसका 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 3 15 5 आ गया, तो 3 गलत हो गए। तो ऑप्शन ये वाला सही होगा। देखो कैसे, 18 को लिख सकता हूं 2 नंबर 18, और 25 को लिख सकता हूं 5 5 25, तो कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है तो एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? स अभाज्य संख्याओं का एक युग्म हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का युगफल क्या होगा? ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है थोड़ी देर पहले ही। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसका और इसका हल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक, एक समीकरण ले लो और ऑप्शन से देखो कैसे हल निकालेंगे। एक्स की जगह 6 रखो, वाई की जगह 2 रखो, बाएं पक्ष में 6 2 12 3 2 6 कितना गया? 18। देखो एक्स की जगह 6 रखा, वाई की जगह पर 2 रखा, और बाया पक्ष हल करने पे हमें दाया पक्ष मिल रहा है, यानी कि ये इसका हल है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने हल नहीं किया, हमने ऑप्शन से ही आंसर निकाल के देख लिया, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक, इसमें बताना है कि एक्स का मान क्या होगा, त्रिज्या गुणा कर देंगे, स्क्वायर माइनस 2 कम 7, माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, मान आ जाएगा प्लस माइनस 3 वर्गमूल निकालने पर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कह रहे एबी के एक वृत्त का केंद्र, एबी है ये वृत्त का केंद्र, वृत्त का जो केंद्र है ओ, वो हमें दे रखा 2 माइनस के 3, ए बी, बी का निर्देशांक 1 4, तो ए का क्या होगा? मान लेते हैं ए का निर्देशांक x y होगा, व्यास ए बी। ठीक है, सो देखो ये क्या है, ये मध्य बिंदु है ए और बी का, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, तो मध्य बिंदु निकालने का आप सूत्र जानते हो क्या होता है, इसके पहले वाला और इसके पहले वाला जोड़ो और आधा कर दो, इसके आखिरी वाला और इसके आखिरी वाला जोड़ो और आधा कर दो। ठीक, तो ये चीज इसके बराबर होगी, एक्स प्लस 1 बट्टे 2, 2 के बराबर, तिरछा गुणा करेंगे 2 2 4, प्लस के किधर के माइनस के हो जाएगा, एक्स का मान 3, और ये वाला इसके बराबर, तिरछा गुणा करेंगे वाई प्लस 4, 2 3 -6, प्लस के 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 10, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान माइनस के 10 होगा। हाँ, माइनस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कह रहे मूल बराबर हो तो के का मान क्या होगा? मूल बराबर होने पर डी का मान 0 होता है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, विभक्तिकर का मान 0 होता है मूल बराबर होने पर। ए की जगह पर क्या 3 है, बी की जगह पर क्या माइनस के 12 है, और सी की जगह पर कितना है, के है, अभी किया था 144, 4 3 12, माइनस के 12 इधर के प्लस के 12 हो जाएगा, 12 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 12 12 में 144, तो के का मान आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। कह रहे दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। आकार समान है, जैसे ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके आंख जो माप है वो अलग अलग है, तो ये समरूप होते हैं, समान रूप के होते हैं। ठीक है, समरूप कहते हैं इनको। देखो टेन थीटा का मान 8 बट्टे 5 है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अगर टेन थीटा 8 बट्टे 15 है तो कॉसेक थीटा क्या होगा? दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 15 बट्टे 8 हो जाएगा, पलट देंगे
कॉट 10 का उल्टा होता है ना, तो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, कॉट थीटा का मान है 15/8, वर्ग कर दो 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, लॉ शब्द आ जाएगा 64, 64 एकम 64 जोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा 289 बट्टे में 64, ये आ जाएगा 17 और इसका वर्गमूल होता है 8, 17/8। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सारा खेल सूत्र का है, अगर आपको सूत्र वगैरह पता है तो क्वेश्चन आपके लिए भलवा है एकदम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, 2 cos थीटा का मान 1 हो, 2 cos 3 थीटा हमारे पास 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा? सो देखो ये 2 गुणा उधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। यहां cos लिखा हुआ है, ये बराबर है, तो इसका मान cos में सोचो, cos 60 का मान होता है 1/2, cos से cos हटा, 3 थीटा बराबर 60 आ जाएगा, 3 दूनी 6 0, तो थीटा का मान आ जाएगा 20। आराम से हो गया। ठीक है, कह रहे यदि एक समान त्रिज्या के 2 अर्धगोले को उनके आधार से जोड़ दिया जाए तो इस नए बने ठोस का वर्ग पृष्ठबल क्या होगा? देखो एक समान त्रिज्या, ये एक अर्धगोला है, अर्धगोला और ये अर्धगोला दोनों को जोड़ देंगे तो अर्धगोला अर्धगोला को जोड़ने पर क्या बन जाएगा गोला, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? और भाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, मानक विचलन नहीं है। मानक विचलन आप पढ़ोगे कक्षा 11 में, अभी नहीं। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? जोड़ देना है 1+2+3+4+5+6+7+8+9, कितनी संख्या है? 9 से भाग दे दो। देखो 9 ये 10, 20, 30, 40, 45, 45/9, 9 × 5 = 45, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, फिर से वही आ गया, हर सेट में ये था ही था, अब देख रहे हो हर बार आता है, बार बार आता है, तो ये भी होमवर्क है। ये वाला माध्यिका पूछ रहा है आपसे, माध्य नहीं पूछा है, माध्यिका। माध्यिका के लिए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या को आरोही क्रम में लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो यहां पर सम संख्या है, जब भी सम का केस होगा ना, माध्यिका मतलब इधर जितने उधर उतने, तो इधर 4 रखो, इधर भी 4 रखो, बीच में 2 बचेगा ही बचेगा सम के केस में, 10 संख्या है ना, एंड हमारे पास 10 सम संख्या है। अगर विषम होता तो बीच में एक ही पद होता और वही पद हमारा माध्यिका होता है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, 11/2, 5.5 आंसर। ठीक, कोई सूत्र नहीं लगाया मैंने यहां पर, कई टीचर आपको सूत्र बताएंगे कोई फायदा नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होता है। विविक्त कर कितना होगा कमेंट करके बताइए, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, देखते हैं कौन से महाशय इसका आंसर दे पाते हैं, प्लीज कमेंट में अपना आंसर बताएं। ठीक है, इसका हल क्या होगा, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। अब सारे क्वेश्चंस, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर होता है x1+x2/2 और वाई बराबर होता है y1+y2/2। एक्स क्या है, ये x1 x2, -4+5/2, 1/2। ठीक है, और y1 क्या है, 2, y2 है 6/2, यानी कि 8/2, यानी कि 4, 1/2, 4, यानी 1/2 होगा, ये सही होगा, x का मान 1/2 होगा, y निर्देशांक 4 होगा। कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो, बड़ी से बड़ी यानी कि
HCF निकालना है, ये वाली आठ घटा आठ शेषफल दे और ये हमें पांच शेषफल दे, शेषफल जैसे ही बोलेगा घटा देना है, 125 में से आठ घटाएंगे 117 और 70 में से पांच घटाएंगे तो 65, गुणनखंड करो, 3 3 9 3 9 27, 3 1 3 3 9 13 1 13, 5 5 15, 13 1 13, 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 13 3 × 2 और 65 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 13, तो वो संख्या जो दोनों में वो क्या है 13, तो मौसा क्या हो जाएगा 13, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि मौसा। इसका मूल अगर माइनस के 2 है तो k का मान क्या होगा, x के जगह पे क्या रख देना, माइनस के 2 रख देना और हल करके आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है, ये भी आप आराम से कर लोगे। अगर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा क्या होगा, अभी मैंने बताया था कितना होता है 45, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो अगर 45 डिग्री रखा जाए साइन का भी और कॉस का भी तो दोनों बराबर मान देते हैं, सो थीटा विल बी 45। वाई अक्ष से दूरी माइनस के 3 एक्स वाला हो जाएगा, इसका माध्य क्या होगा कमेंट करके बताना, ठीक। ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो कॉस थीटा क्या होता है सूत्र 1+, ये चीज अब इसको हल करके कमेंट में अपना आंसर बताना, ठीक है, कितना आ रहा है।